नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। उत्तर प्रदेश के अयोध्या भदरसा गैंगरेप मामले में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। दरअसल नाबालिग किशोरी से गैंगरेप के आरोप में जेल में बंद सपा नेता मोहित खान का डीएनए सैंपल पीड़िता के भ्रूण से मैच न खाने के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस योगी सरकार पर लगातार हमलावर है और बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रही है। दरअसल पुलिस ने इस मामले में सपा नेता मोहित खान और उसके नौकर राजू का डीएनए सैंपल टेस्ट के लिए भेजा था। हाईकोर्ट ने इस मामले में डीएनए सैंपल पुलिस से तलब किया था, जिसमें पीड़िता के भ्रूण से राजू का डीएनए मैच कर गया। अब इसी को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने गैंगरेप के आरोपी मोहित खान की डीएनए रिपोर्ट को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट डीएनए रिपोर्ट ना मंगाती तो ये सरकार डीएनए रिपोर्ट प्रकाशित भी ना करती। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि गैंगरेप को लेकर मोहित खान को चर्चा में लाया गया, सरकार की तरफ से मोहित खान को आरोपी बोला गया। सारी बातें अब साफ हो गई कि हमारे नेता अखिलेश यादव को पहले से ही शंका थी कि वो इतनी ज्यादा उम्र का है, वो कैसे ही काम कर सकता है। बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि मुस्लिम के नाम पर भाजपा बदनाम करना चाहती है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सांसद जी, जिस प्रकार से भदरसा कांड को लेकर मोहित खान के जो नौकर थे राजू खान को डीएनए मैच हुआ है, उस पर क्या कहना चाहिए? अरे यार, जिसका डीएनए मैच नहीं उस पर काहे पूछो। उठाया गया मामला, उठाया गया तो मामला चर्चा में, मामला तो मोहित खान का आया सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से। मोहित खान भदरसा, यही तो आया ना, और वो बात सब साफ हो गई। इसीलिए हमारे नेता को पहले से शंका थी कि वो इतनी उम्र का है, कैसे हो सकता है, झूठा मामला है, भारतीय जनता पार्टी बदनाम करना चाहती है मुस्लिम के नाम पर, तो ये वो आया भी। और अगर माननीय उच्च न्यायालय निर्देशित ना करते तो ये रिपोर्ट प्रकाशित न होती। तो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया तो उनको न्यायालय का आदेश तो मानने माना था, न मानते कंटेम्प्ट हो जाता, तो मजबूरी में किया है। और ये जो है, ये पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ये संदेश गया है कि सरकार पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी संविधान सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है, आरक्षण विरोधी सरकार है। इस तरह के मैसेज पूरे प्रदेश में गया है और ये मैसेज 27 में चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नाबालिग से रेप के मामले में कथित सपा नेता मोहित खान के ड्राइवर राजू खान का डीएनए रिपोर्ट पीड़िता से मैच हो गया है। हालांकि मोहित खान की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब ये मामला किस ओर जाएगा, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।